बालाघाट में सारस मित्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सेवा संस्था के सदस्यों द्वारा उपस्थित अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने अपने उद्बोधन में संस्था द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। साथ ही सारस संरक्षण हेतु किसानों और ग्रामीणों की एक जिला स्तरीय समिति बनाने एवं चित्रकला प्रतियोगिता आदि के माध्यम से ग्रामीणों को सारस संरक्षण कार्य में सहभागिता व जागरूकता लाने पर चर्चा की। देखिए, सारस के कंजर्वेशन को लेकर के समय समय पर जिला प्रशासन बहुत ही संवेदनशील है। आज जो हमारा सारस सम्मेलन हुआ, उसमें एक तो हमने किसानों को सम्मानित किया जिनके यहाँ नेस्टिंग हो रही हैं और जो हमको बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ जिला स्तरीय हमने एक सारस कमेटी का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें हम लोग आगे इस कमेटी के माध्यम से सारस के कंजर्वेशन को लेकर के प्रयास करेंगे। टूरिज्म काउंसिल के माध्यम से बालाघाट स्थित सारस महोत्सव, सारस मित्र सम्मेलन 2022 बालाघाट जिला आज संपन्न हुआ, जिसमें सेवा संस्था यह संस्था स्थानीय किसानों के साथ बूंदिया, बालाघाट और भंडारा इन तीन जिलों में सारस संरक्षण के लिए कार्य करती है, जिसमें ये पूरे लैंडस्केप में, पूरे पॉकेट में बालाघाट जिला ये सबसे महत्वपूर्ण जिला है। और यहाँ पर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो किसान जिनके खेतों में सारस घुसते बनाता है, वो वॉलेंटियर्स जो पूरे साल भर सारस संरक्षण के लिए अपना योगदान देते हैं, ऐसे सारस मित्रों का इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मान और उनके काम को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और ये कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ और ऐसे ही सारस मित्र सम्मेलन आगे भी होते रहे और सारस संरक्षण के हेतु एक प्रशासकीय स्तर पर नई पॉलिसीज, नया कुछ ऐसे पॉलिसीज तैयार हो और सारस बच सके, इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहे। बता दें कि ये कार्यक्रम सारस क्रेन संरक्षण संवर्धन के क्षेत्र में कार्यरत सेवा संस्था गोंदिया, पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद सहित वन विभाग द्वारा किया गया था।